पारस संस्था ने वृक्ष लगाकर बच्चों को दिलवाया संकल्प। बरेली सेवी संस्था पारस एजुकेशन सोसाइटी बरेली उत्तर प्रदेश ने श्रीराम विहार कॉलोनी और मिथिलापुरी में बच्चों से वृक्ष लगवाए और उन्हें संकल्प दिलवाया कि उनकी हम देखभाल करेंगे और अपने जन्मदिन और शुभ अवसर पर वृक्ष लगाएंगे और क्षेत्र के लोगों को से अधिक जागरूक करेंगे, जिससे अपना क्षेत्र हरा भरा हो सके और पर्यावरण साफ रहे। इस मौके के अवसर पर पारस संस्था के MD PP सिंह बंटी ठाकुर ने कहा, अगर पर्यावरण हो सही रखना है तो हमें वृक्ष लगाने होंगे, नहीं तो जीवन खतरे में पड़ जाएगा, इसलिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं और पर्यावरण को साफ स्वच्छ बनाएं। इसमें संस्था ने क्षेत्रवासियों को भी जागरूक करने के लिए इसी तरह का अभियान चलाते रहेंगे, अलग अलग क्षेत्र में जाकर वृक्ष लगाएंगे, लोगों को वृक्ष मित्र भी बनाएंगे, जिससे पेड़ों की देखभाल हो सके। हमारा मकसद ही नहीं है कि पेड़ लगाने के बाद उनकी रखवाली ना हो सके, इसलिए हम हर क्षेत्र में वृक्ष मित्र बनाएंगे, जिससे पेड़ों की देखभाल हो सके और व्यक्ति का लगाव भी रहे। वृक्षों के मौके पर इंजीनियर अब्दुल पारासरी वाइसर चेयरमैन अर्चना सिंह, आलोक सिंह, श्रुति शर्मा, देवाशीष नासागर सिंह, रजनी पाठक, रिया शर्मा, सेजल गुप्ता, अनुपमा पटेल, निशा पटेल, शीतल श्रीवास्तव, प्रेरणा गुप्ता, विनीता कश्यप आदि लोग मौजूद रहे। आपका नाम? प्रेरणा गुप्ता। आज क्या कार्यक्रम किया गया? आज पेड़ लगाए गए। क्यों? क्योंकि उससे हमें ऑक्सीजन मिलती है और प्रदूषण कम होता है। पेड़ लगाने से क्या फायदा है? पेड़ लगाने से प्रदूषण कम होता है और वर्षा अधिक होती है उससे। स्टार्ट। आज पारस एजुकेशन सोसाइटी के तत्वावधान में वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। वृक्षारोपण कार्यक्रम हर साल किया जाता है और इसका मकसद ये होता है कि वातावरण को स्वच्छ और साफ रखा जाए, क्योंकि पर्यावरण इतना ज़्यादा दूषित हो गया है कि पेड़ों का लगाना अति महत्वपूर्ण हो गया। अगर पेड़ कम होंगे तो बरसात कम होगी और जब बरसात कम होगी तो स्थिति आपके सामने है। इस समय क्या स्थिति है, कितना तापमान तेज है, आदमी घर से बाहर निकलने में कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इसी को लेकर हमारी पूरे शहरवासियों से अपील है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और पेड़ लगाने में सहयोग करें। धन्यवाद। NG न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।